की है, बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके एक समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक भर, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं करना। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है कि घुसपैठ घुसपैठ सरकार को तो मानना पड़ेगा, नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है क्या? अब वो आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है, यहाँ पर सब जगह केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह हर जिला में हो रहा है, तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ, उसी की लड़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है इसको रोकने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो बॉर्डर में आखिर क्यों घुसपैठी लोग आ रहे हैं, उसका काम है, लेकिन जो लोग आ गए हैं उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बाजपा कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सारे डीसी लोगों को आदेश दिया है कि आप उसको चिन्हित करें, उसको निकाल बाहर करने का काम करें। आदिवासी कैसे संघर्ष करेगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी? अब लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे सीधों का रूल रही थे, अब लास्ट में मरता क्या नहीं करता, उसी तरह उसी के तर्क पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ाई हो? सरकार के खिलाफ पे जन भी लड़ाई लड़ेंगे। को जेल भेजा जा रहा है, एक पूरे को स्टेज में अशुभ आया, लेकिन आज हमारे छात्र के ऊपर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहम से उसने गलत काम किया, उन लोग के ऊपर एक भी आंसू उनका भाई बहने का काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज इसीलिए हम लोग सरकार को सचेत करना चाहते हैं, जिस आदमी को आपने अपने आदिवासियों के नाम पे जिसको आपने आज वोट बैंक समझ के रखा है, आज उस आदिवासी का आपका रंग और रूप और आपका चरित्र को देख चुका है, अब करनी और कथनी आपका समझ चुका, आज आदिवासी छात्र छात्राएं आपको जन आक्रोश के माध्यम से आपको सचेत कर रहा, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरह से हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आपने जिस तरह संथाल को अपने राजनीति का गढ़ से चुना, और आज संथाल ने आपको इतना अधिक सम्मान, पूरे परिवार को सम्मान दिया, लेकिन आज संथाल के छात्र को पीटा जा रहा है, उसका गार्जियन को पीटा जा रहा है, उसका जमीन को लूटा जा रहा है, उसका बहु बेटियों को लूटा जा रहा है, ये कहाँ का नीति है भाई? जबकि यहाँ से सीएनटी स्पीड एक्ट लागू है, फिर तो पर भी यहाँ पे आपका दोहन हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल को 8 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग आयुक्त के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं। जोहार इंगीबीडू आर तेज है झारखंड उप राजधानी दुमका रे नल दड़िया छात्र समन्वय समिति से आक्रोश रैली रखा और जन आक्रोश रैली सबसे विरोध प्रदर्शन अब उप राजधानी दुमका रे संगे नुड़ी हॉस्टल आदिवासी कल्याण छात्रावास अब बया मिश्रा को संगे हॉस्टल तक जो को पुरो हजारों की संख्या रे अब बया को मिश्रा को निया पाकुड़ आदिवासी कल्याण छात्रावास केकेएम रे दाल दापाल हुईना पुलिस हते तो न्याय लगीते पुरो जनसंख्या नल दड़ा उप राजधानी दुमका रे तो निश्चित तौर पर आतु रे मिमी कोटे पंचायत रे विरोध जरूरा और नोड़े आरो भीड़ कम से कम हजार खन जस्ती की मिना नोड़े तायम से आरो बुन नल दड़े को नोड़े जुवन कोड़ा को एकालते पुरो अकुआ इदरी सला ओका निया रैली कना जा रैली कना नोड़े बुन नल दड़े तो निश्चित तौर पर इन आरो जोआ से निया संताल परगाना बांग विस्कों हरेक निया झारखंड ना हरेक जिला रे निया विरोध प्रदर्शन हुई उमा आ निया दो एसपी कॉलेज दुमका से खोनांग निया विरोध प्रदर्शन नोड़े बुन नियल दाड़ी आ तो कहीं ना कहीं निया उका जन आक्रोश महारैली कना निया एसपी कॉलेज दुमका खोय डीसी ऑफिस दिबी चला आर ओंडे डीसी ज्ञापन को सौंपाओ या तो ठीक है तबे निंका की वीडियो रे कंटिन्यू बुन ताहेना जितने भी लोग सम्मिलित है उन लोगों पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई, उन लोगों पर FIR हो। और अभी देख सुन रहे हैं कि अभी कुछ लोगों को थाना हाजिर किया है, थाना हाजिर करने से क्या मतलब है? अरे आखिर पुलिस के जवान जो मारे हैं इतने लोगों को, तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? उस पर क्यों नहीं आई FIR हुआ? और उसी का आक्रोश में अभी और उसके साथ साथ ये बंगला घुसपैठी का भी जो मामला है उसको भी लोग आक्रोश के और ये झारखंड सरकार के प्रति हम लोग आक्रोश को व्यक्त करते हैं कि आपके यहाँ के नीचे आपके सरकार ने आज किस तरह से यहाँ के आदिवासी व्यक्ति साथी लोग करते हैं और जगह जमीन हड़प रहे हैं, तो यहाँ एक करने के बाद भी आपके शासन ने आज तक कुछ नहीं हो, बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक भर, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं करना। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है कि घुसपैठ सरकार को तो मानना पड़ेगा, नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है क्या? अब वो आप
वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है, यहाँ पर सब जगह केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह हर जिला में हो रहा है। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ, और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ, उसी की लड़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है इसको रोकने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो बॉर्डर में आखिर क्यों घुसपैठी लोग आ रहे हैं उसका काम है, लेकिन जो लोग आ गए हैं उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बजापता कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सारे डीसी लोगों को आदेश दिया है कि आप उसको चिन्हित करें, उसको निकाल बाहर करने का काम करें। आदिवासी कैसे संघर्ष करेगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी? अब लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे सीधों का रूल रहे थे, अब लास्ट में मरता क्या नहीं करता, उसी तरह उसी के तर्क पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ाई होगी? सरकार के खिलाफ पे जन भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया ने कहा रहा था कि अबुआ दिसम में अबुआ राज, लेकिन यहाँ तो जिस तरह से यहाँ के बाहरियों का राज और शासन चला, जिस तरह से आपका महेशपुर थाना के अंतर्गत गई बथान गांव में हमारे आदिवासियों माँ बहनों को जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया, उसका सर फोड़ा गया, उसका जंग हड्डी तोड़ा गया, इसके बाद जिस तरह से हमारे केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रों ने जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया और हम लोगों ने 27 तारीख का घोषणा किया, उसके पूर्व रात को ही 26 तारीख को रात को ही जिस तरह से हमारे छात्र को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन आज तक हमारे खासकर हमारे आदिवासी जो इनको लोबिन बाबा हेमरम को छोड़ करके और जितने भी आदिवासी आपका विधायक हैं, एक शब्द भी हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं के या महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ कोई शब्द नहीं बोला। आज हमें मजबूरन होकर के जिस तरह से फूलो जनाब सीधो कानू चांद भैरव ने जिस तरह से हमारे अंग्रेज के विरुद्ध में बिगुल फोका था हुल का, उसी तरह आज हम लोगों ने छात्र आंदोलन के तहत हमारे रक्षा हमारे जमीन और हमारे जाति को बचाने के लिए आज हम लोग जन आक्रोश महारैली निकाल रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया के वाइफ अपने जब उसको जेल जेल के जेल आ गया था तो उस वक्त उन्होंने पूरे प्रदेशों में पूरे झारखंड प्रदेशों में सभी सभाओं से उन्होंने कहा कि मैं मेरा पति आदिवासी है, इसीलिए गए उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए उसको जेल भेजा जा रहा है, एक पूरे को स्टेज में आंसू बहाया। लेकिन आज हमारे छात्र के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उसने गलत काम किया, उन लोग के ऊपर एक भी आंसू उनका वाइफ बहाने का काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज इसीलिए हम लोग सरकार को सचेत करना चाहते हैं, जिस आदमी को अपने अपने आदिवासियत के नाम पे जिसको अपने आज वोट बैंक समझ के रखा है, आज उस आदिवासी का आपका रंग और रूप और आपका चरित्र को देख चुका है, अब करनी और कतनी आपका समझ चुका, आज आदिवासी छात्र छात्राएं आपको जन आक्रोश के माध्यम से आपको सचेत कर रहा, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरह से हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आपने जिस तरह संथाल को अपने राजनीति का गढ़ से चुना और आज संथाल ने आपको इतना अधिक सम्मान पूरे परिवार को सम्मान दिया, लेकिन आज संथाल के छात्र को पीटा जा रहा है, उसका गार्जियन को पीटा जा रहा है, उसका जमीन को लूटा जा रहा है, उसका बहु बेटियों को लूटा जा रहा है, ये कहाँ का नीति है भाई? जबकि यहाँ से सीएनटी एसपी एक्ट लागू है फिर तो पर भी यहाँ पे आपका दोहन हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल को 8 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग आयुक्त के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं।